Hey guys, welcome back to the channel. So, आज का ये जो वीडियो है आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही सिंपल वे में मैंने कुछ सिंपल सी चीज़ें एक्सप्लेन की है दैट माइट बी यूजफुल फॉर यू गाइज. सी एक यंग जब बंदा फिटनेस एंथुसियास्ट जब वो आता है बॉडी बिल्डिंग में एंटर करना चाहता है या एक फिजिक बनाना चाहता है अच्छी उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि क्या ये नेचुरली पॉसिबल है या नहीं. राइट सो अगर आप मेरे से स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पूछोगे कि क्या बॉडी बिल्डिंग एज अ स्पोर्ट नेचुरल है या नहीं, सो द सिंपल आंसर इज नो. बॉडी बिल्डिंग इज नॉट अ नेचुरल स्पोर्ट. इनफैक्ट बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जो वर्ल्ड में मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा ड्रग अब्यूज से गुजरता है. राइट ऐसा कोई भी स्पोर्ट नहीं है जिसमें इतना ज़्यादा ड्रग अब्यूज़ होता है. प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स की बात मैं कर रहा हूँ. राइट और बात आती है कि गेटिंग इनटू अ गुड शेप क्या ये पॉसिबल है नेचुरली. बिल्कुल पॉसिबल है. देर आर एन नंबर ऑफ नेचुरल एथलीट्स या नेचुरल फिटनेस गाइज आप देख सकते हो जिन्होंने एब्स बनाना हो चाहे वो गेनिंग हो वो नेचुरली करते हैं. राइट विद प्रॉपर डाइट एंड ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग इसमें पेशेंस लगता है. लेकिन बॉडी बिल्डिंग एज अ स्पोर्ट इट्स नॉट नेचुरल. गाइज मैं बात कर रहा हूँ आप जैसा कि पिक्चर में देख सकते हो फिल हीथ या क्राई ग्रीन इस लेवल के प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स. सी हम मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टेरॉइड लेना गलत है या सही है. आई एम नोबडी टू टेल यू दैट. वो आपको खुद ही बताए कि कितना सही है कितना गलत है. लेकिन अगर आप एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में घुसना चाहते हो तो ये एक स्पोर्ट्स की डिमांड है कि आपको उस लेवल पर अगर जाना है तो यू विल हैव टू टेक गियर्स एंड ऑल कि आप उस लेवल के कॉम्पिटिशन के सामने खड़े हो सको. लेकिन हेल्दी है या नहीं हेल्दी है इस पर मेरा ओपिनियन अगर आप पूछोगे तो इट्स नॉट हेल्दी. अगर आप प्लान नहीं कर रहे हो इसमें एज अ कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर जाने की तो एकदम अवॉइड करें बिकॉज नेचुरली इट्स प्रीटी मच पॉसिबल टू गेट इन टू अ वेरी गुड शेप. बात सिर्फ इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स की नहीं है. इवन इंडिया में जो मिस्टर इंडिया या फिर कोई भी किसी लेवल पे एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है इवन दैट्स नॉट नेचुरल. आप जो फिजिक ये देख रहे हो ये किसी भी एंगल से नेचुरल नहीं है क्योंकि नेचुरली एक साल में एक एथलीट जो होता है उसकी मसल मास पुट ऑन करने की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है. राइट सो वो एक समझ लीजिए एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा लीन भी हो रहा है बॉडी यानी कि बॉडी फैट परसेंटेज ड्रॉप भी कर रहा है एंड साथ ही साथ ही इज़ पैकिंग ऑन गुड अमाउंट ऑफ मसल्स तो एक्चुअली में ये नेचुरली उतना पॉसिबल है नहीं. क्योंकि जब नेचुरली हम लोग जब श्रेड करते हैं जब हम बॉडी फैट परसेंटेज को 10 के अंडर ले जाते हैं तो हम लीन हो जाते हैं ना कि हम ह्यूज दिखते हैं बहुत जब हम नेचुरली करते हैं इसको. आप पिक्चर्स देख सकते हो ये हैं कुछ नेचुरल एथलीट्स जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ जब ये श्रेड करते हैं तो कैसे लीन दिखते हैं. एंड लीन का मतलब ये नहीं कि अच्छे नहीं दिखते हैं काफ़ी अच्छे दिखते हैं. इवन मैं खुद एक नेचुरल एथलीट हूँ. लास्ट ईयर मैंने भी एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया था एंड आप देख सकते हो कि नेचुरली भी प्रिटी डिसेंट फिजिक अचीव करना पॉसिबल है. सो इस वीडियो के साथ मैं क्यों क्या कन्वे करना चाहता हूँ कि जब भी हम फेसबुक में या इंस्टाग्राम में या सोशल मीडिया पर किसी का भी ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं या कोई एक पर्टिकुलर फिजिक देखते हैं आप एक बात मान के चलो कि हमें नहीं पता है कि वो नेचुरल है या नॉट नेचुरल है. राइट एंड इनिशियली जब लोग फिटनेस के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं है सिर्फ पैशनेट होते हैं तो उनको ज़्यादा पता भी नहीं होता है कि ये पॉसिबल है नेचुरली या नहीं. और बहुत हाई चांसेस होता है कि कोई उनको गलत रास्ते पे ले जाए और बोले कि नहीं बेटा ये तो एक पॉसिबल ही नहीं है बॉडी बनाना नेचुरली तो तुम्हें ये सामान लेना ही पड़ेगा ये माल लेना ही पड़ेगा तभी बॉडी बनेगी. सो प्लीज़ अवॉइड दैट. फोकस ऑन नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जिसमें आप अच्छा एक डाइट फॉलो कर रहे हो आप अच्छा एक वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहे हो आप बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दे रहे हो मतलब अपना स्लीप अच्छा रख रहे हो अपना वाटर इनटेक अच्छा रख रहे हो अपना नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी अच्छा रख रहे हो ये सब करने की कोशिश करो. राइट रादर देन फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स आप ये सब करो बॉडी को थोड़ा टाइम दो. सी नेचुरल अगर आपको फिजिक अच्छी बनानी है तो थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है कंसिस्टेंट रहना पड़ता है. लेकिन ट्रस्ट मी गाइज आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा. इंटरनली यू विल बी मच मोर स्ट्रॉन्गर एंड विजिबली बी सून इनफ यू विल लुक बेटर. सो
कोशिश करो कि आप ये सब चीज़ों से दूर रहो एंड फोकस ऑन योर डाइट, वर्कआउट एंड अदर एस्पेक्ट्स विच आई मेंशनड. एंड गाइज, ये बात भी सच है कि जो कॉम्पिटिटिव लेवल के बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, वो एनी डे कहीं ना कहीं नेचुरल एथलीट से ज़्यादा बेटर दिखते हैं, राइट? एंड दैट्स क्वाइट नेचुरल. वो उन्होंने उतना रिस्क लिया है वो लुक को अचीव करने के लिए, एंड बहुत कुछ स्टेक पे है. तो जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आप, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आई लव ड्वेन जॉनसन, आई एडमायर हिम, ठीक है? ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स एंड ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रिटी ऑन दिस प्लानट एज ऑफ नाउ. उनकी फिजिक को भी मैं एडमायर करता हूँ. लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर मैं काफ़ी सालों तक नेचुरली वेट ट्रेनिंग करता रहूँ, डाइट करता रहूँ, लेकिन शायद उनके लेवल तक पहुँचना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, राइट? लेकिन क्या, सी, आई एम नॉट रॉबिंग ऑफ द हार्ड वर्क विच ही इज़ डूइंग. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर कुछ यूज़ कर रहे हैं वो, कुछ गियर या स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं वो, या कोई भी एक टॉप लेवल का सेलिब्रिटी, तो वो मेहनत नहीं कर रहा है. मेहनत एकदम है. वो वर्कआउट एकदम प्रॉपर रख रहा होगा, उसका वर्क एथिक बहुत अच्छा होगा, वो हमसे ज़्यादा बहुत एफर्ट डाल रहा होगा. लेकिन कहीं ना कहीं ये मेरे को पता है कि अगर मैं नेचुरली ये सब करता रहूँ, वर्कआउट डाइट करता रहूँ, तो उस लेवल का फिजिक शायद अचीव नहीं कर पाऊँ. लेकिन इसमें डिसहार्टेंड होने की ज़रूरत नहीं है, राइट? अगर आप, जैसे मैंने बताया कि आप अच्छे से डाइट एंड ट्रेनिंग करोगे, एंड इफ़ यू स्टार्ट यंग, आप बहुत अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करोगे, तो यू कैन ऑल्सो गेट इन टू अ वेरी डिसेंट शेप. गाइज, अभी क्या है, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है और इतने सारे कोचेज अवेलेबल हैं जो जेन्युइन हैं. एंड हम एक, अभी से 5 या 6 साल पहले तक ये एक्सेस नहीं था, यूट्यूब पे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन था नहीं, एंड हमको पता नहीं था कि पर ग्राम ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से इतना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए. हम क्या थे कि हम वर्कआउट करते थे जम के, एंड जो भी घर में होता था वो खाते थे, तो ऑब्वियसली वैसा रिजल्ट्स नहीं दिखा. लेकिन अब जो यंग लड़के आते हैं, जो 20-21 ईयर्स ओल्ड हैं, वो लोग अगर प्रॉपर डाइट, ट्रेनिंग एंड एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर सब कुछ स्टार्ट करें, तो वो कुछ ही सालों में बहुत अच्छा नेक्स्ट लेवल फिजिक बना सकते हैं. सो गाइस, यहाँ पे ये डिबेट है नहीं कि वो लोग मेहनती, जो लोग ये सब कुछ ले रहे हैं वो मेहनत करते हैं या नहीं मेहनत करते, ये डिबेट ही नहीं है. या ही क्या, या फिर तो ये भी डिबेट नहीं है कि ये गलत है सही है. जैसा मैंने बताया, मैं कोई नहीं होता हूँ ये डिसाइड करने वाला. लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग वुड ऑलवेज बी मच हेल्दियर दैन टेकिंग समथिंग. तो गाइस, इसी के साथ ही आज का ये छोटा सा सेशन ख़त्म करते हैं. सो जैसा मैंने बोला, वर्कआउट अच्छा करते रहिए, डाइट अच्छा करते रहिए, कीप योर स्लीप गुड, कीप योर वाटर इनटेक गुड, कीप योर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स गुड, सब अच्छा रखो आप. एंड साथ ही में पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी रखो, यू विल गेट देयर, यू द शेप विच यू डिज़ायर ऑफ. एंड होपफुली आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा. एंड अगर आप कुछ और टॉपिक्स को डिटेल में समझना चाहते हैं, या आप चाहते हो कि मैं उसको कवर करूँ, सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. एंड प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक द वीडियो, एंड ऑल्सो शेयर इट विद अ फ्रेंड, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड डू हिट द बेल आइकन सो दैट वेन एवर आई अपलोड अ वीडियो यू गेट अ नोटिफिकेशन. एंड ऑल्सो फॉलो मी एंड रतिका ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो सी यू टुमारो विद अ न्यू वीडियो. अंटिल देन, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी. बाय बाय.